बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो है ना किचन में ये फ्रूट सलाद क्रीम चाट बनाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है ना क्रीम चाट बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं एक एप्पल, जिसको मैंने छिलकों समेत काट लिया है। फाइन एप्पल लिया था ताकि ये इसमें से क्रीम में से नज़र आए फल। फिर मैंने लिया है चार बनाना। फिर लिए हैं दो दरमियानी साइज पोटैटो, उन्हें क्यूब में काट लिया है और बॉईल कर लिया है। मटर लिए हैं एक प्याली, इनको भी क्यूब वो बॉईल कर लिया है। कैरेट ली है एक, इसको भी बॉईल कर लिया है। ग्रेप्स थे, इनको मैंने दरमियान में से कट कर लिए हैं, ये वो आज सीज़न नहीं है ना तो सीड वाले हैं। क्रीम ली है, ये दही लिया है एक प्याली छोटी, और ये मायनीज लिए हैं दो टेबलस्पून। ये ब्लैक पेपर है और ये सॉल्ट है चुटकी चुटकी। ये मैंने दो टेबलस्पून शुगर ली है जो कि मैंने पीस ली है। तो लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ये वो लिया था, ये कॉकटेल फ्रूट कॉकटेल, ये मुझे बताना याद नहीं रहा। ये दो क्रीम ली हैं, एक कम ना पड़ जाए, देखें कितनी अब यूज़ होती है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दही और मायनीज में चीनी मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको फेंट के चीनी क्रीम चीनी दही माइनस को हम जो है ना ये इसका पेस्ट बना लेंगे। चीनी मैंने पीस ली थी, एक क्रीम डालूंगी। सबसे हम पहले अब फ्रूट ऐड करते जाएंगे। एप्पल डालेंगे, अब मैं इसमें कैरेट डालूंगी, अब इसमें मैं ये मटर डालूंगी, अब फिर इसमें बनाना ऐड कर लेंगे। अब इसमें ग्रेप्स ऐड कर लेंगे, वन बाय वन करके मिक्स कर जाएंगे, डाली जाएंगे। अब इसमें मैं पोटैटो ऐड कर लूँगी, इसमें हमने डाले हैं वन एंड हाफ क्रीम, जितना आपका फ्रूट हो आप उसके हिसाब से कर लें। हाफ टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर और शुगर के दो बड़े टेबल जो कि हमने ग्राइंड करके दही और मायनीज में मिक्स कर लिए, फिर उसके बाद क्रीम डाल दी। अब ये हम थोड़े से कॉकटेल ऐड कर लेंगे। ये देखें फ्रूट कॉकटेल
अब मैं इसमें ये ऐड कर लूंगी। अब ये मेरे पास की हुई है जिसके साथ में इसका देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी क्रीम चाट बहुत ही लजीज, साफ सुथरी, नीट घर की तैयार है। आप भी देख आपने देखी है, आप बनाएं और इसे ट्राई करें और कमेंट्स में कमेंट करना नहीं भूलें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे इंशाल्लाह मुलाकात जल्द होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मैं कोफ्ते और अंडे बनाना सिखाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा, लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल।